ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। ये तस्वीरें सात समंदर पार की हैं और ये भीड़ विरोध के लिए नहीं बल्कि समर्थन के लिए जुटी है। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में लोग जुटे और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नारे लगाए। देश भर में एक धड़ा अफवाह पर यकीन करके विरोध कर रहा है तो एक धड़ा देश विदेश में इस कानून के समर्थन में सड़कों पर है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के प्रति समर्थन जताने के लिए अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किए और सीएए को भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया। नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भारतीय अमेरिकियों का समूह टाइम्स स्क्वायर पर इकट्ठा हुआ। उनके हाथ में पोस्टर थे और वो सीए और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन पोस्टरों पर लिखा था कि सीए मानवाधिकारों के बारे में है, हम सम्मान के साथ जीने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का समर्थन करते हैं, प्रवासी भारतीय सीए का समर्थन करते हैं और सीए पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारित किया गया है, उन्होंने हम मोदी का समर्थन करते हैं और हम सीए का समर्थन करते हैं जैसे नारे लगाए। इस समर्थन रैली में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस के अध्यक्ष कृष्णा रेड्डी अनुगुला और संगठन के अन्य सदस्य शामिल थे। वहीं लॉन्ग आइलैंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने नए कानून के प्रति अपना समर्थन जताया। अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष जगदीप सिवहानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये कानून लाना एक ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले की भी तारीफ की। सिवहानी ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय को सीए के बारे में जानकारी देने के लिए अमेरिकी सांसदों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करना चाहिए। आपको बता दें कि इन अफवाहों के बीच पीएम मोदी ने एक ट्विटर कैंपेन की शुरुआत भी की है। इंडिया सपोर्ट्स सीए हैशटैग से पीएम मोदी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए लिखा था, भारत सीए का समर्थन करता है क्योंकि सीए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है, ये किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।